नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आप अगर अपनी बेटी के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाते हैं तो ये बड़ी होने पर उसकी पढ़ाई या शादी के खर्च की टेंशन इससे दूर हो जाएगी। इस योजना में पैसे लगाकर आप ना सिर्फ सेविंग कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपनी बेटियों का सुनहरा भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये विकल्प हर उस माता पिता के लिए है जिनके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटियां हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन की खरीद में घोटाला करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका ने कहा, राम मंदिर के आसपास की जमीनों पर लूट मची हुई है। भाजपा के नेता, पदाधिकारी और अफसर इस लूट में शामिल है। प्रियंका ने आगे कहा है कि पूरे देश ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, गरीबों ने भी अपने बचत पैसे को राम मंदिर के लिए दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मंत्रियों के साथ बैठक करते देखे गए। ये बैठक शाम 4 बजे हुई। बता दें कि 29 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई और वहां उनके स्मारक की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट गंभीर है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को 3 जनवरी 2022 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार से स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पड़ोसी देश में जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली पर जोर दिया है। श्रृंगला 2 दिन की म्यांमार की यात्रा पर है। म्यांमार की सेना द्वारा ऑंग सैन सू की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गत 1 फरवरी को अपदस्थ किए जाने के बाद यह भारत की तरफ से उस देश से किया गया पहला उच्च स्तरीय संपर्क है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में आप बेहद आसान तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं। हम इसकी आसान प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इसे भरा जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से ही पाकिस्तान हर मोर्चे पर देश का साथ दे रहा था, लेकिन अब पाक अफगान दोस्ती में दरार आने लग गई है। दरअसल तालिबानी सैनिकों ने दोनों देश के बीच पाकिस्तान को सुरक्षा बाड़ लगाने से रोका। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 33 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन से 33 और लोग संक्रमित हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित होने वाला हुनर हाट दूरदराज के कारीगरों को मुख्यधारा के साथ जोड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए मेगा ऑक्शन स्केड्यूल को अंतिम रूप दे दिया गया है। IPL 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अब 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि IPL की मेगा नीलामी का आयोजन 7 और 8 फरवरी को करेगा। 30 अंकों का संवेदनशील सूचकांक गुरुवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुला, जिससे पिछले 2 लगातार सत्रों में इसकी बढ़त बनी हुई है। सुबह 10 बजे S&P BSE सेंसेक्स 0.8% की तेजी के साथ 57,380 अंक पर कारोबार कर रहा है। यह 56,930 अंक के पिछले बंद से 56,599 अंक पर खुला। कनाडा स्थित एक थिंक टैंक ने कहा है कि बलूचिस्तान के ग्वादर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन और आतंकी हमले पाकिस्तान के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। इससे परियोजना और पाकिस्तान दोनों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 65 केस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां 23 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में 24, राजस्थान में 21, कर्नाटक में 19, केरल में 15 और गुजरात में 14 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में विपक्ष हमलावर है। उसका कहना है कि इस मामले में कई अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। गुरुवार को यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की जान खतरे में बताई गई है। उन्हें इसको लेकर के धमकी भी मिली है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन किया है। वहीं इस पूरे मामले की गूंज संसद में भी उठते दिखी। बता दें कि बीते दिन आरोपी शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने गिरफ्तार भी कर लिया है। देशभर में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्य सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां ये पाबंदियां लगाई गई हैं, तो वहीं कई ऐसे राज्य भी हैं जहां अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्रिसमस और नए साल पर होने वाले किसी भी तरह के जश्न पर रोक लगा दी है।
दिल्ली की निचली अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट लीक होने के बाद उनकी भूमिका में जांच करने का एजेंसी को निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में भले ही देशमुख को आरोपी न बनाया गया हो, लेकिन अब वो बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2095 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का उपहार देते देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी पिंजरा के करखियाव में अमूल प्लांट की आधारशिला, विकास की परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित करते देखे गए। काशी आगमन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार का दिन विकास कार्यों को समर्पित रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की अपील पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को 25 जनवरी की तारीख तय कर दी है और कहा है कि मामले पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ की एक अदालत ने आदेश दिया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाए। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम ISIS जैसे संगठनों से की है। बॉलीवुड की धाकर गर्ल कंगना रनौत अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से कानूनी मामलों में फंसती रहती है। इसी कड़ी में अब एक्ट्रेस मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची है। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जहां उन्होंने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहा था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सदस्य यूके के विदेश मंत्रियों द्वारा हाल ही में जारी एक ईरान विरोधी संयुक्त बयान की प्रतिक्रिया में पश्चिमी देश ने हमेशा की तरह इस क्षेत्र में तनाव पैदा किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश विदेश सचिव ली स्ट्रस ने सोमवार को विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत किया है जो अफगानिस्तान में लागू प्रतिबंध के अंतर्गत मानवीय सहायता को लेकर छूट की अनुमति देता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में मानवीय सहायता अन्य गतिविधियों को छूट दी गई है। भारत ने 24 घंटे के भीतर ही गुरुवार को भी ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने की सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। LPG अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 109 लोगों की जान चली गई है और संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अधिकारियों ने आगाह किया है कि अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप जल्द ही सभी स्वरूप को पीछे छोड़कर हावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। ड्रोन का उपयोग कृषि आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा राहत, कृषि, कानून व्यवस्था बनाए रखने समेत विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के महत्व को देखते हुए राज्य में ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। गणतंत्र दिवस परेड के लिए आवश्यक राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा पथ समय पर तैयार हो जाएगा, लेकिन कुछ सुविधाएं बाद में पूरी होंगी। ये जानकारी परियोजना के वास्तुकला सलाहकार ने दी है HCP डिजाइन। इसके साथ ही योजना और प्रबंधन के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि नवनिर्मित राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने के लिए प्रबंध शुरू कर दिए गए हैं। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान के बाद लोग काफी आक्रोशित हैं, जिसके बाद जीतन राम मांझी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि ब्राह्मण समाज के लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास का शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं, जहां मांझी के आवास के बाहर ब्राह्मण समाज सत्यनारायण की पूजा शुरू करते देखा गया। क्रिप्टोकरेंसी में जिस तेजी से निवेश के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसी तेजी से निवेश कम भी होने लगते हैं। ग्लोबल मार्केट में दबाव और कोरोना के नए वेरिएंट के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी बंद होने की खबरों के डर से लोग क्रिप्टोकरेंसी से पैसे भी निकाल ले रहे हैं। दरअसल बीते एक हफ्ते में ही निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में लगी अपनी 1,000 करोड़ से ज्यादा रकम निकाली है। पंजाब में कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर दबाव बनाने के इरादे से विरोध कर रहे किसानों ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की और प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है। किसान नेता जोगिंदर सिंह के अनुसार किसानों ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया है, जिसमें कृषि ऋण माफी, कृषि विरोधी कानून, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करना और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा शामिल है।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 65 केस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां 23 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में 24, राजस्थान में 21, कर्नाटक में 19, केरल में 15 और गुजरात में 14 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से 3, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 2-2 केस सामने आए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1-1 मरीज मिले हैं। इस तरह कुल ओमिक्रॉन केस की संख्या 236 हो गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया यादव, कुमार आशीष, मनीष कुमार, बबीता यादव, गौतम कुमार, पंकज कुमार सिंह, कुंदन साजवान, अभिजीत बिट्टू, साविया खातून, सूरज कुमार, नीतीश कुमार, आर्टिस्ट करमजीत, ऋतिक कुशवाहा, आकाश सिंह, काजल कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।